सो गाइस क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 100 गेंदों का यहाँ पे मैच खेला जाएगा, जिसे यहाँ पे नाम दिया गया है द 100 मेंस कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ द 100 2021 कब से शुरू हो रहा है एंड साथ ही साथ किस हिसाब का फॉर्मेट रहने वाला है, कौन से टीवी चैनल्स पे लाइव स्ट्रीमिंग होने वाला है भारत में, सभी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी ट्रू क्रिकेट के फैन है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग डेट के बारे में बात कर ले तो 100 2021 है वो यहाँ पे 22 जुलाई से शुरू हो जाएगा एंड जो फाइनल मैच है वो यहाँ पे 21 अगस्त को खेला जाएगा। वहीं पे दोस्तों बात की जाए टीम्स की, तो गाइस टोटल 8 टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है। जो टीम्स के नाम मैं आपको बता दूं, वेल्स फायर, नॉर्थन सुपर चार्जर्स, साउथन ब्रेव, ट्रेंट रॉकेट्स, लंदन स्पिरिट, ब्रिमेनगन फियोनिक्स, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, ओवल इनविंसिबल्स। तो गाइस ये टोटल 8 टीम्स के नाम है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं टाइमिंग्स के बारे में। तो गाइस जिस दिन 2 मैचेस खेले जाएगा, जो पहला मैच है वो यहाँ पे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से शाम के 7 बजे शुरू हो जाएगा एंड जो सेकेंड मैच रहने वाला है वो यहाँ पे रात के 10:30 बजे या फिर रात के 11 बजे, 2 टाइमिंग्स में से किसी एक टाइमिंग पे होने वाला है। मतलब कि दोस्तों शाम के बाद ही बजे से यहाँ पे जो मैच है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। अब दोस्तों सबसे मेन क्वेश्चन, आखिर किस हिसाब का फॉर्मेट रहने वाला है, आखिर किस हिसाब का 100 गेंदों का फॉर्मेट रहने वाला है, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला यही है कि टोटल 100 गेंदे फेंके जाएंगे एक इनिंग में, यानी कि टोटल एक मैच में 200 गेंद फेंके जाएंगे एंड T20 में 240 गेंद फेंके जाते हैं, तो यहाँ पे अलग है, 200 गेंद यहाँ पे फेंके जाएंगे। फिर दोस्तों जो दूसरा रूल ये है कि 10 गेंदों के बाद जो एंड्स है वो यहाँ पे चेंज हो गए। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे क्रिकेट में क्या होता है, 6 गेंदों का ओवर होता है, 6 गेंदे कंप्लीट होने के बाद अगर बैट्समैन इस साइड से खेल रहा है तो गाइस वो ओवर के बाद दूसरे साइड से बैट्समैन खेलता है ताकि फेयर गेम प्ले हो। तो यहाँ पे 6 गेंदों का रूल नहीं, यहाँ पे 10 गेंदों के बाद जो साइड है वो यहाँ पे चेंज हो गए एंड जो तीसरा रूल ये है कि जो बॉलर है वो यहाँ पे 5 गेंदे लगातार फेंक सकता है या फिर 10 गेंदे लगातार फेंक सकता है। यहाँ पे नॉर्मल क्रिकेट में क्या रूल था कि एक गेंदबाज लगातार 6 गेंदे फेंक सकता है एंड यहाँ पे द 100 में ये रूल है कि एक गेंदबाज 5 गेंद या फिर 10 गेंद, वो यहाँ पे कैप्टन के ऊपर डिसाइड होता है। तो दोस्तों जो चौथा रूल है वो यहाँ पे ये है कि एक बॉलर मैक्सिमम 20 गेंदे फेंक सकता है एक मैच में। जैसे कि आपको पता है कि T20 फॉर्मेट में एक गेंदबाज 24 गेंदे मैक्सिमम फेंक सकता है, लेकिन यहाँ पे 100 में एक गेंदबाज मैक्सिमम 20 गेंदे यहाँ पे फेंक सकता है, यानी कि टोटल 5 गेंदबाज अगर 20 गेंद फेंकते तो गाइस यहाँ पे एक इनिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा रूल ये है कि द 100 लीग में यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी रहने वाला है। टाइम आउट का मैं ड्यूरेशन बता दूं, टोटल 2 से 2.5 मिनट का टाइम आउट रहने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि IPL में भी टाइम आउट रहता है, तो गाइस ऐसे द 100 में भी हमें टाइम आउट देखने को मिल जाएगा। एंड वहीं पे दोस्तों बात की जाए अगले रूल की, तो गाइस यहाँ पे पावर प्ले पे भी चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। जो पावर प्ले ए है वो यहाँ पे हमें 25 गेंदों का देखने को मिलेगा, यानी कि 25 गेंदे के बाद यहाँ पे जो पावर प्ले वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा एंड जो पावर प्ले के टाइम पे टोटल 2 ही प्लेयर्स यहाँ पे 30 यार्ड सर्कल से बाहर जा सकते हैं एंड पावर प्ले कंप्लीट होने के बाद 5 फील्डर यहाँ पे मैक्सिमम जो 30 यार्ड का सर्कल है वो उससे बाहर जा सकता है। एंड वही दोस्तों बात की जाए टाइम आउट की, तो गाइस यहाँ पे टाइम आउट रहने वाला है द 100 लीग में, जो पहली बार ऐसा इंग्लैंड के कोई T20 लीग में रहने वाला है। तो गाइस देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलेगा एंड जो स्कोर कार्ड है वो हमें सिंपल से देखने को मिलेगा, कोई चेंजेस हमें देखने को ऐसा एडवांस तरीका का जो स्कोर कार्ड रहने वाला ऐसा कुछ नहीं है, जो सिंपल जैसे कि क्रिकेट का स्कोर कार्ड रहता है उसी टाइप का हमें देखने को मिलेगा। अब दूसरे पे बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, आखिर कौन से टीवी चैनल पे द 100 2021 लाइव टेलीकास्ट होने वाला। तो गाइस मैं आपको बता दूं, भारत में 2 ही जो चैनल से उसके नाम निकल के आ रहे हैं। जो सबसे पहला चैनल है वो यहाँ पे स्टार स्पोर्ट नेटवर्क है एंड जो दूसरा चैनल है वो यहाँ पे सोनी पिक्चर स्पोर्ट्स नेटवर्क है, लेकिन ज्यादा चांसेस यहाँ पे स्टार स्पोर्ट्स का निकल के आ रहा है एंड स्टार स्पोर्ट में बहुत सारे हिंट ऑलरेडी दे रखे कि यहाँ पे द 100 के लिए स्टार स्पोर्ट राइट खरीदने वाला। तो गाइस यहाँ पे 90% चांस है कि स्टार इंडिया के किसी चैनल से हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे भारत में स्टार स्पोर्ट या फिर सोनी पिक्चर स्पोर्ट्स नेटवर्क पे देखने को मिलेगा एंड डीडी स्पोर्ट्स पे भी हमें द 100 देखने को मिलेगा। एंड वहीं पे दोस्तों अदर्स कंट्री की बात की जाए तो गाइस यहाँ पे यूके में हमें स्टार गोल्ड पे देखने को मिल जाएगा, यूएस में हमें विलो टीवी पे देखने को मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में फॉक्स स्पोर्ट्स पे देखने को मिल जाएगा, मेना कंट्रीज में हमें BIN स्पोर्ट्स पे देखने को मिल जाएगा, साउथ अफ्रीका में सुपर स्पोर्ट पे देखने को मिल जाएगा। पाकिस्तान पे कोई भी टीवी चैनल के पास टेलीकास्ट राइट्स नहीं है, यानी कि पाकिस्तान पे द 100 आप देख नहीं सकते। एंड न्यूजीलैंड पे स्काई स्पोर्ट पे देखने को मिल जाएगा, कैरेबियन में प्रो स्पोर्ट
पे देखने को मिल जाएगा, कनाडा में विलो स्पोर्ट्स पे देखने को मिल जाएगा, फिर हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगा, एंड बांग्लादेश में चैनल 9, अफगानिस्तान लेमर टीवी, एंड श्रीलंका में हमें श्रीलंका आरसी पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ओवरऑल मैंने आपको सभी कंट्रीज के लाइव स्ट्रीमिंग के चैनल्स बता दिए, तो गाइस इसके लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। एंड ये भी बताया कि जो 100 2021 है, पहला जो 100 2021 का जो लीग होने वाला है, कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस लोग यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।